विद्युत चक्रवर्ती जी ने बताया कि विश्व भारती 100 साल पूरे करने जा रही है और एक साल तक विश्व भारती इसके अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। मैं चक्रवर्ती जी को कहना चाहता हूं कि जब इसकी स्थापना की होगी तब भी कोई संकल्प किया होगा और आज 100 साल पूरे होने जा रहे हैं तब भी एक आप संकल्प करिए कि बंगाल के अंदर विचार परिवर्तन और ये जो अभी ही जिन्होंने जिक्र किया इस तरह की घटना कम से कम शांतिनिकेतन के साथ न हो, इस प्रकार की पूरे बंगाल के अंदर शांतिनिकेतन से विचार उठे और पूरे बंगाल के अंदर गुरुवर्य टागोर का विचार फिर से एक बार नवपल्लवित होकर निकले, ये विश्व भारती ने संकल्प लेना चाहिए। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, देश और विदेश के और विशेषकर भारतवर्ष के एशिया खंड के सभी लोगों के लिए गुरुवर टागोर, शांतिनिकेतन और विश्व भारती हमेशा सम्मोहन के केंद्र रहे हैं। वो अपने आप की ओर सबको खींचते हैं, आकर्षित करते हैं और आज मेरा सौभाग्य है कि बहुत देर से मगर आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और आप सभी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। रविंद्र संगीत के कार्यक्रम से भी मन और आत्मा दोनों को शांति मिले, इस प्रकार से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देखा, इसलिए मैं उपाचार्य जी और सभी लोगों का मन से साधुवाद देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरुदेव टागोर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं विश्व भर के अंदर जिनकी दो रचनाएं दो देश के राष्ट्रगान के रूप में सम्मानित हुई है और कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है एक ही कवि की दो रचनाएं दो अलग अलग देशों के राष्ट्रगान के रूप में सम्मानित हुई। ये बहुत बड़ी बात, विचार का, संस्कृति का, संस्कार का, कला का दायरा कितना बड़ा है वो इससे साबित करता है। वैसे बंगाल ने हमेशा से इस देश की सांस्कृतिक विरासत की बात हो, इस देश की कलाओं की परंपरा की बात हो, इस देश में नई सोच को पल्लवित करने की बात हो या आजादी की लड़ाई, हर क्षेत्र के अंदर बंगाल देश से 50 साल आगे रहा और ढेर सारे बंगाल के सपूतों ने भारत को आगे बढ़ाने के लिए और विशेषकर 19वीं सदी में जो एक नव जागरण हुआ इसमें बहुत बड़ा योगदान बंगाल के ढेर सारे सपूतों का रहा, चाहे वो राजा राममोहन राय हो, चाहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हो, श्री अरविंद हो, विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, चैतन्य महाप्रभु हो, स्वामी प्रणवानंद जी हो, सुभाष बाबू हो, अनेक लोगों ने अनेक क्षेत्र के अंदर भारत की विरासत को समृद्ध करने का काम किया और वो आकाशगंगा का एक महत्वपूर्ण तेजस्वी ताला गुरुवर टागोर थे। गुरुदेव टागोर की विचार का प्रभाव और उनके व्यक्तित्व की महानता इस बात से भी जानी जाती है कि आजादी की लड़ाई के अंदर इस देश के दो महापुरुष के बीच में विचार का बड़ा मतभेद था, महात्मा गांधी और सुभाष बाबू, मगर ये दोनों गुरुवर टागोर से प्रेरणा लेते थे। ये दिखाता है कि इनके विचार की व्यापकता कितनी थी, चाहे सोच कोई भी हो, कोई भी समस्या हो, इसका समाधान टागोर के विचार से मिलता था और गुरुदेव के विचार ने आजादी के आंदोलन को भी एक बहुत बड़ी गति दी और महात्मा गांधी का भारत की आत्मा को पहचानने का जो प्रयास था वो प्रयास अगर महात्मा गांधी और गुरुदेव के बीच में संपर्क ना आता तो कभी समाप्त न होता। भारत की आत्मा को महात्मा समझ पाए
इसका एक ही कारण है कि गुरुदेव के वो संपर्क में थे, बार बार शांति निकेतन में आते थे, गुरुदेव नहीं रहे तब भी आए, चाहे वो सशस्त्र रास्ते से आजादी लेने वाले लोग हो, चाहे अहिंसक आंदोलन से आजादी लेने वाले लोग हो, सब शांति निकेतन को अपना प्रेरणा स्थान मानते थे। 1921 में विश्व भारती की स्थापना हुई, मगर उसकी शुरुआत तो 1901 में एक बहुत छोटे से उपक्रम से हुई, ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में हुई। वो 1901 से आज तक की पूरी यात्रा, वो यात्रा भारत के समाज जीवन के अंदर, भारत के कला जीवन की यात्रा को, भारत की संस्कार यात्रा को बहुत बड़ा योगदान देने वाली यात्रा रही है। और सबसे बड़ा योगदान भारत की शिक्षा पद्धति को एक आधारभूत विचार लेने का काम ये शांति निकेतन ने और विश्व भारती ने किया है। हमारी मूल शिक्षा पद्धति जिसमें कहीं भी कुछ भी संकीर्ण नहीं था, जब गुरुदेव ने शिक्षा पर अपने विचार रखे तब कहा कि शिक्षा का काम ही ये होना चाहिए, उद्देश्य ही ये होना चाहिए कि संकीर्णता की सभी वीडियो को तोड़कर व्यक्ति को अभय बना दे, उसके विचारों को खुला कर दे, और उसका सर्वोच्च ध्येय होना चाहिए कि वो यथार्थ के समीप चला जाए, अपने अंदर के मानवी को वो इतनी ऊंचाई पर ले जाए कि इसके लिए देश की सीमाएं, भाषाओं की मर्यादा, संस्कृतियों के बंधन कहीं पर न दिख पाए। इस प्रकार का शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आज देश भर में एक देश उद्देश्य की परिपूर्ति तो होती हुई नहीं दिखती है, मगर घोर अंधेरी रात में चमकती बिजली जब आती है तब एक आशा का संचार होता है। ऐसी आशा का संचार आज भी ये विश्व भारती है, और मैं मानता हूं कभी न कभी कहीं न कहीं यहीं से ये फिर से शुरुआत होगी। विलास मोह से मुक्त प्राणवान आनंद को केंद्र में रखकर ही शिक्षा का विचार किया जा सकता है। दबाव से मुक्त होकर, सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर आनंद के साथ रह सके, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है। और यथार्थ को जानने की यात्रा कभी भी रुके नहीं, ऐसे विद्यार्थी को भी निर्माण करना ही शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है। गुरुदेव के जीवन से हमने ये भी सीखने की जरूरत है कि गुरुदेव ने अंत तक अपने अंदर का विद्यार्थी को मरने नहीं दिया। कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में चित्रकला की शुरुआत करता है और अपने देह त्यागने से पहले 3000 से ज्यादा अच्छे पेंटिंग समाज को देकर जाता है, वो बताता है कि इनके अंदर का विद्यार्थी अंत तक जीवित था। और यही शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा कोई कालखंड के साथ, जीवन के एक छोटे हिस्से के साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जीवन के आखिरी सांस तक चलनी चाहिए। विद्यार्थी का जीवन जितना ही लंबा होना चाहिए, और इसमें से जो अमृत निकलता है वो ही समाज को आगे ले जाता है। एक और तो विश्व भारती के माध्यम से भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला, उसके संरक्षण और संवर्धन की यहां पर व्यवस्था की गई। और जो हमारे वेदों का मूल मंत्र है, विश्व बंधुत्व का मंत्र, वो मंत्र को ध्यान में रखकर यूरोपियन और बहुत सारी देशों की भाषाओं को, साहित्य को, वहां के धर्म को, दर्शन को हमारे साथ सामंजस्य बनाने का भी यहां पर एक माहौल बनाया गया, एक व्यवस्था खड़ी की गई। और हमारा मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय, इसको चरितार्थ करने के लिए एक रास्ता प्रशस्त करने का काम गुरुदेव ने किया। चीनी संस्कृति, चीन की भाषा के अध्ययन के लिए 1937 में यहाँ पर शुरुआत की गई। हिंदी की भाषा के लिए भी यहाँ पर शुरुआत की गई। मैं मानता हूँ यही उनकी दूरदृष्टि को बताता है। गुरुदेव
कबीरदास और बाउल गायक लालन शाह से हमेशा प्रभावित रही। और आप कबीर और बाउल गायक ललन शाह के व्यक्तित्व को समझेंगे तो जाति धर्म वर्ण इससे ऊपर उठे हुए लोग थे। उन्होंने हमेशा व्यक्ति की योग्यता को महत्व दिया। व्यक्ति कहां से आता है, कहां से आया है, इसको कभी महत्व नहीं दिया। और एक महत्वपूर्ण मानवता का संदेश गुरुदेव ने यहीं से आगे बढ़ाया। गुरुदेव हमेशा मानते थे कि भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। किसी भी देश का इतिहास, कोई और सभ्यता इसका मूल्यांकन इतने अच्छे से नहीं कर सकती, विवेचना कर सकती है, परंतु इतिहास को समझने की जहां तक बात है, दृष्टिकोण भारत का ही होना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि जब तक ग्रामीण विकास की परिकल्पना को फिर से हम तरोताजा नहीं करेंगे, इसको आधुनिक तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये देश के अर्थतंत्र का विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए यहां पर उन्होंने शुरुआत करी। धर्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य, कला और श्रीनिकेतन के अंदर कृषि, ग्रामीण विकास, सहकारिता, ये सारे मुद्दों की शुरुआत की। और जहां पर हस्तशिल्प, स्वास्थ्य, सफाई, कोऑपरेटिव, ये सारी चीजों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इतना मानता हूं कि ये जो गुरुदेव ने परंपरा करी है, गुरुदेव टैगोर ने जो परंपरा करी है, आगे बढ़ाई है, इसको आगे बढ़ाने का दायित्व मेरे सामने बैठे हुए लोगों का है। कहीं हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार की संकीर्णता से में फंसे बगैर खुले मन से सब दिशाओं से अच्छे विचार स्वीकारने की खुले मन के साथ विश्व भारती को आगे बढ़ाएंगे तो मैं मानता हूं वो अपने उद्देश्य को निश्चित रूप से परिपूर्ति करेंगे। अपने साहित्य सर्जन में 1000 से ज्यादा कविता, 2000 से ज्यादा अनेक भाषाओं के गीत, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और गद्य हो या पद हो, उत्कृष्ट साहित्य की रचना करना और इसके साथ साथ इतनी बड़ी संस्था की भी निर्मिति करना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव को नोबेल प्राइज मिलकर उनकी साहित्य रचना को किसी ने एक्नोलेज नहीं किया, मैं मानता हूं गुरुदेव को नोबेल प्राइज देकर नोबेल प्राइज ने अपने आप को एक्नोलेज कर दिया है कि अवॉर्ड है। टैगोर की एक पूर्ण राष्ट्र की जो सोच थी उसको भी यहीं से फिर से एक बार आगे बढ़ाने का समय आया है। मैं गुजरात से आ रहा हूं, अभी राजनीतिक लोग मुझे बहुत गुजरात के कारण बदनाम करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि गुजरात से आकर बंगाल में मैं प्रवास कर रहा हूं, मगर मैं उनको कोई जवाब इस पवित्र मंच से देना नहीं चाहता। अगर गुरुदेव का गुजरात कनेक्शन जरूर बताना चाहता हूँ। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अहमदाबाद का प्रवास किया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर अहमदाबाद शहर के कमिश्नर थे और वहां गुरुदेव लंबे समय रहे भी। और जब गांधी जी गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष बने तब उसका 3 दिन का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें गुजराती शब्दकोश की उद्घाटन किया जाना, भाषा शुद्धि के लिए महात्मा ने गुजराती भाषा की शुद्धि के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया, एक शब्दकोश बनाया, वो शब्दकोश का उद्घाटन करने का काम था तब वो सम्मेलन के अध्यक्ष का करने के लिए उन्होंने गुरुदेव को चुना था। और गुरुदेव गुजरात गए भी थे और गुजरात साहित्य परिषद के 3 दिन के सम्मेलन के अंदर उन्होंने योगदान भी दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि ये विश्व भारती ने देश से देश को बहुत लोग दिए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर यही जुड़े रहे, महाश्वेता देवी, नंदलाल बोस, गायत्री देवी, सत्यजीत रे और रामकिंकर बेस, इंदिरा गांधी भी यहाँ काफी समय बिताया, विनोद बिहारी मुखर्जी, ढेर सारे लोग
जिन्होंने देश को अलग अलग विधाओं में अलग अलग क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट किया, वो यहां से निकले, यहां से जुड़े रहे। हमने ये 100वें साल में संकल्प न करना चाहिए, ये परंपरा रुकेगी नहीं। कोई 50 साल के बाद 150वीं जयंती मनाएगा तो 100 से 150 के बीच में भी क्या हम 10 ऐसे लोग दे सकते हैं जो किसी भी क्षेत्र में देश को कंट्रीब्यूट करेंगे? टैगोर के विचार को देश भर में इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे? टैगोर की विचारों की ऊंचाई को समाज जीवन का, हमारे विचार प्रवाह का एक हिस्सा बनाएंगे? करने को तो कोई भी कर सकता है, मगर विश्व भारती से ज्यादा उपयुक्त स्थान ये काम करने के लिए और कोई नहीं हो सकता। आप सबको मैं कोई उपदेश देने यहां पर नहीं आया हूं, ना मेरी योग्यता है। मैं विश्व भारती के लिए शायद ही कुछ कर पाया हूं, आप लोग यहां पर बहुत कुछ करते हो, परंतु मेरा मानना है कि हमने सभी प्रकार के विचारों को, अलग अलग प्रकार के विचारों को त्याग कर विश्व भारती के स्थापना का जो उद्देश्य है, इसके आधार पर फिर से एक बार विश्व भारती को 100वें साल के बाद आगे बढ़ाने का संकल्प इस 100वें साल में लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं मानता हूं अगर ऐसा होता है तो कंट्रीब्यूशन का जो एक सिलसिला है वो फिर से एक बार चालू हो जाएगा, और देश के समाज जीवन को कंट्रीब्यूट करने वाले लोग यही महान जगह से, यही संस्था से, यही टैगोर के विचार से बाहर आएंगे, ऐसी मुझे श्रद्धा है।